अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। और आगे एक और पबजी, एक हम आ गए एक और पबजी गर्मा गर्म गेम प्ले, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बस अभी अभी तंदूर से निकला ये समझो आप लोग, ठीक है। हम जा रहे थे रोजो को रैंडम टीममेट के साथ खेल रहे थे, बहुत अच्छा एक खेलने वाला था, एक पाकिस्तानी था वो चले गया था फिर, लेकिन नंबर फोर है ना बहुत अच्छा खेलने वाला है। एंड में थोड़ा सा सैड हो गया, लेकिन फिर मतलब बहुत अच्छा गेम प्ले था। देख लो लाइक प्लीज कर दिया करो यार, तुम लोग ऐसे देख देख के चल जाते हो, ये कोई बात नहीं है, समझ आ गई ना। हाँ लाइक कर दो तुम लोग, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हम आए थे रोजो क्योंकि हम ना मतलब ये जाते थे कि शुरू में सेफ करते हैं, फिर बाद में देखी जाएगी जो होगा। तो यहाँ पे जब उनको थोड़ा चौड़ जाता है ना, मैंने मतलब मैं स्टंट करके दिखाता हूँ हम लोगों को। तो हम जस्ट लाइक मतलब बाइक ली, रैंप ये नहीं है जिस पे बिलिंग होती है, ये मैंने मतलब क्यों लिया, मैंने मतलब क्या पता इस पे हो जाए। तो अगर मैं सोलो में काफ़ी बार यहाँ मरा हूँ, लेकिन अब बच गया तो मैं रिवाइव होगा। मैं शॉर्ट शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ ना, काफ़ी लंबा हो जाएगा, 35-40 मिनट तक कहीं आराम से हो जाएगा, क्योंकि हम लास्ट जोन तक ही रहे हैं, मतलब बहुत स्लो खेला हमने। तो हम लोग बस बंदे ढूंढ रहे थे, तो इतनी देर में स्प्रे आता है, मतलब इस जो रिज है ना रोजो की जो मिल है, तो ये बंदे को नॉक करके हमारे उसको कर देते फिनिश। वो भी देखता नहीं है, वो भी सिर्फ चला जाता है, देखता तो कितना अच्छा लगता, चिकन डिनर हुआ है, ठीक है। तो हमें पहले तो बंदों की लोकेशन नहीं पता थी, फिर जब इसको मतलब हमारा जब एक बंदा डाउन हुआ और उनका एक स्प्रे आया, फिर मेरे टीममेट ने उनका एक नॉक किया, बहुत अच्छा था। एक बंदा ना उनका बिल्कुल मुंह पे आ गया हमारे यहाँ पे, ये रहा बिल्कुल मतलब मुंह पे आके खड़ा हुआ, उसने एक पीछे से एक बंदे ने उसको नॉक किया। जब मेरा मुझे स्प्रे दे रखा, मतलब पहली बारी ख़त्म मेरी बारी, तो फिर हमने इसको स्प्रे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह नॉक हो गया। फिर इसका एक टीममेट रिच के उस पार से इसने स्मोक किया, मतलब उसका वो देखो जीरो, मैं तुझे बचा लूँगा, ये वो वाला था। मैंने एक नेट किया, मैंने बोला क्लिक कंफर्म करें, लेकिन वो भी था भाई बड़ा मतलब गैराज में नहीं आया, गैराज की पीछे वाली दीवार पे छुप गया कि मेरे टीममेट के सामने तो रहूँगा अपने। फिर जो हमारा नंबर थ्री वाला जो टीममेट था वो हेल्प मांगने लग गया। फिर हम बस लूट कर रहे थे और बंदों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मसला ये था कि वो लोग रिच पे थे और वो हमें आराम से देख पा रहे थे, लेकिन हम उनको बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। पहले मुझे लगा ये बंदा है, लेकिन फिर जब मैंने बोला कि इसकी सिर्फ फुटप्रिंट आ रहा है लेकिन साउंड नहीं आ रहा, तो मतलब ये नॉक वाला है, तो हम लोग क्लिक करें, तुमने हमारा फिनिश किया, हमने तुम्हारा फिनिश किया। लेकिन इस बंदे का स्प्रे देखो भाई, इतना प्यारा स्प्रे था, इसकी पिंग कितनी अच्छी आ रही थी यार। लेकिन फिर हमारे टीममेट ने दिखाया कि कैसे मारा जाता है, ऐसा नहीं है कि सब टीममेट ने मारे हैं, हम नहीं मारे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ तो हमने इनका कर दिया नॉक, और अब मतलब ये हो गया। अभी तो ये सिर्फ कि एक एक ऊपर वाला है और तीन हमें, तो हम सोच रहे थे कर देना कि रश। तो फिर मेरी HP बिल्कुल लो थी, मतलब नॉक होने के बाद से मैंने करी नहीं थी भाई, मतलब हील करा नहीं था, लेकिन फिर भी ना मैंने बोला चलो उसको मार देते फिर कर लेंगे, क्या मसला है कि तो वो क्या कर लेगा ज़्यादा, क्या उखाड़ लो क्या लेगा हमारा, मेरा ये था। फिर इतनी देर में आ जाते बग्गी, मैंने बोला अब बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि उसका टीममेट आ गया, क्योंकि अगर बग्गी आती ना तो गोलियाँ चलती तो हम समझ जाते किल फिल्म में नाम आया है, तो मतलब किसी से फाइट हुई उनकी। तो फिर हम वापस आ गए, मैंने बोला छोड़ो मसला ख़राब ना हो जाए, कि तीन जाए फिर एक भी वापस ना आए, सब पर हरा हरे धुएँ निकल जाए। तो फिर बस हम लोग वेट करने लग गए। फिर जब मैंने सिर्फ मैंने फिर हील की हील का काट दिया, मैंने हील की, फिर मैंने बोला देखो ऐसा है क्यों ना मैं रश कर दूं, क्योंकि वो ऊपर हैं, मैं नेट करना चाह रहा था पहले, लेकिन फिर उसको नॉक किया, तो मैंने बोला एक ही बचा है, कुछ भी हो जाए, बेसिक मेरा मकसद ये था कि मैं जाके सिर्फ करूं उसको नॉक। लेकिन मेरे टीममेट्स ने कहा कि ये कर रहा है रश, मैंने बोला चलो रश ही कर लेते हैं, मेरा प्रोग्राम ही था। लेकिन यहाँ आके ना मुझे खुद कुछ शक हो, मैं बोला यार कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे थे अपन, ठीक है, क्योंकि अगले बंदे की जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन को मैं जानता हूँ, वो आराम से मुझे नेट करके या उछल के ऊपर से, मतलब वो खुद मर जाएगा लेकिन मुझे जरूर मारेगा, क्योंकि इस काम में यकीन करो बहुत मजा आता है कि आपको पूरा स्क्वाड वाइप हो जाए, लेकिन आप सामने वाले का एक बंदा मार के फिनिश करो। आए हाय हाय, ऐसा लगता है कि उनके मुंह से चिकन डिनर की बोटी निकाल ली हमने, ठीक है। फिर अब वो दो होगा, क्योंकि बग्गी वाला आया था, ये तो ऐसी बॉट, जब उसने बॉट को मारा मतलब अब टाइम है, अब चल के हम करते हैं रश। लेकिन फिर मैंने कहा कि भाई कोई मेरे साथ है, क्योंकि वो सिर्फ मार के फिनिश करे, मैं थोड़ा सा पीछे पीछे भी जा रहा हूँ, ये थोड़ी सी नीचे मतलब पता नहीं क्या है, मैं फुल नीचे गिर गया, मैं अब यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, चढ़ नहीं पा रहा। अब मुझे अपनी टीममेट के साथ होना चाहिए, लेकिन मैं वहाँ नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मेरी टीममेट्स ने एक और दो
एक उसी को कंफर्म कर दिया। हाँ तो मतलब हमने पूरा स्क्वाड वाइप कर दिया हमने उसका, एक एक करके एक एक को फिनिश कर दिया। ठीक है, फिर हमने उनकी लूट कूट की। देन हम सिर्फ अब जा रहे थे कि बंदे मिले, जो अभी हम लास्ट तक यहीं थे। फिर यहाँ पे आई थी दो फ्लेयर्स, एक आगे ऊपर आई एक यहाँ आई है। तो हमने बोला देखो अब फ्लेयर्स पे रेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें एक रिज ये बहुत अच्छी में जगह मिल गई थी। हमारे पास दोनों पास स्कोप जो अच्छा था 6x था, मुझे तो बहुत बुरा लगता है स्नाइपर पे, क्योंकि 6x ना स्नाइपर के लिए नहीं बना, 6x बना ए आर को 3x करके चलाओ। 6x का काम है सिर्फ ये, स्नाइपर पे नहीं चलता मुझसे। अब ये देखो शॉट मेरा भी उसको ही था, लेकिन पता नहीं क्या नंबर 4 का काउंट हुआ, मेरा फिर ऊपर से चले गया। मतलब जैसे मेरे जिस बंदे को मैं मारूँ उसी बंदे को वो मार रहा है, तो तीन शॉट हमारे ऐसे ही गए हैं, लगातार तीन शॉट ऐसे ही गए हैं। फिर जब हम गए तो यहाँ पे बंदा था, इसको पता नहीं किसने नॉक कर दिया, ओम ग्रोथ इसके पास थी, इस बेचारे के पास ना मालूम अफराद चाइनीज है क्या नाम पड़े इसका। देन हम फिर बस यहाँ पे लूट करते हैं इनकी, जो हमने फिर ऊपर जो बंदे मारे थे। यहाँ बड़ा प्यारा क्लच होने वाला है, एक 1v2 होगा। वो बंदे बहुत अच्छे थे, मैंने बोला इधर आओ चलो तुम लोग स्नाइपर स्नाइपर तो बहुत हो गया तुम्हारा, और स्नाइपर ओम थी उसके पास, और ओम बहुत है मतलब इस मैचेस में ना ऑलमोस्ट 5 ओम आई थी, और 5 बंदों के ही पास थी, एक मेरे पास थी, देखना और किसी के पास है। तो हम बस इनकी लूट कर रहे थे, अब हम ऊपर जा रहे थे, हमें नहीं पता था कि बंदे कहाँ हैं। जोन भी ना मतलब कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो रहा था, क्योंकि पहले वो उसने जॉर्जो को छोड़ा रोजोक पे आ गया, रोजोक से छोड़ के फिर ब्रिज पे आ गया, ब्रिज से छोड़ के ब्रिज के बिल्कुल सेंटर में आ गया, कि मतलब वो तीन तरफ जा सकता है, या तो बिल्कुल ब्रिज पे रहे, या फिर इस तरफ मतलब हमारी तरफ आ जाए जहाँ हम अभी हैं, या फिर वो ब्रिज इनके बीच में रहे। ये बॉट आया था उसको मैंने मार दिया, मतलब बहुत सा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा था, जोन हमारे साथ खेल रहा था, वरना हम अक्सर जोन के साथ खेलते हैं। तो मुझे यहाँ पे अभी नहीं, खैर आगे जाके मुझे एक काम मिलेगी, तो मैंने मतलब अपनी जो है कैंटेट लगा लिया M4 पे 6x 3x करके, और 8x लगा लिया मैंने ओम पे, बस अब और क्या चाहिए, चिकन खुद ही हो जाएगा। देन यहाँ पे मतलब साउंड ऐसा है हम दोनों को कि गाड़ी आ रही है हमारी तरफ एनिमीज की, लेकिन ये हमारे बंदे की थी, हम दोनों एक साथ यहाँ पे ले गए। फिर आ जाते हैं एनिमीज, तो वो क्या करते हैं नंबर 4 को ना किल कर, कंफर्म किल कर देते हैं एकदम से। फिर हमने इसको थोड़ा सा लो किया, हमने इसको नॉक कर दिया, अब बचा उनका एक बंदा, तो मैं यहाँ लेट गया वरना मैं मर जाता। अब उसके बंदे के काम देखो, जबकि देखो हाइट का फ़ायदा मुझे कितना हुआ कि मैं जब सामने हूँ तो उसने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने उसको देख के फिनिश भी कर दिया, उसको पता भी नहीं चला। इस तरह फिर मुझे मिले 2 किल, और आप देखना कितना वाहियात लैग होगा, देखो उमदा क्लिस किस्म का ग्लिच होगा, सॉरी लॉल ग्लिच देखो। मैंने बोला स्नाइपर टावर पे चलते हैं, अब कहाँ चले, क्योंकि दोनों अब डिसाइड हो गए, देखो क्या हो रहा है, खुद ही हो रहा है। और शुक्र है मैं बस जिंदा बची है, वरना अक्सर ऐसा होता है कि जब भी ग्लिच लगते हैं ना तो मतलब मर ही जाता है। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि हम चारों मतलब खेल रहे थे दोस्त, तो ग्लिच ऐसा लगा था कि हम चारों कार से बाहर ही निकल रहे, हमें एनिमीज ने आके मार ही दिया। देन अब ये सब 3 बंदे बचे थे, इस एक बंदे मुझे थोड़ा सा लो किया था। फिर ये ना बेचारा पता है इसको लेटा चाहिए था, लेकिन घास में जाके छुप गया, और मेरा भी उसको बॉडी शॉट लगा, तो मतलब एक नॉक हो गया। अब गिनते रहना कितने नॉक हो गए, एक नॉक हो गया उनका। यहाँ मुझे लगा ये बंदा है, लेकिन ये बंदा नहीं था, मतलब हल्का सा जो छोटा सी ना कि छोटी सी एज, मुझे लगा ये सिर्फ ये वो है, मुझे लगा बंदा है, लेकिन ये सिर्फ एज था। मेरी टीममेट ने स्मोक कर दिया, और फिर हम लोग मतलब जोन की तरफ जा रहे थे। अच्छी बात ये थी कि हमारे पास रिच था, बिल्कुल ओपन नहीं था, मतलब ओपन था लेकिन हम रिच के थ्रू जा रहे थे, तो हम मतलब कवर में रह के जा रहे थे। अब उन दो के पास ओम है, मेरे पास ओम है, पहले मैंने उसको 6x से मारने की कोशिश की, मैं मार देता, लेकिन मैंने बोला ओम से मार दे, चलो एक पट से एंड फिर जब मेरे इस टीममेट को छोड़ दो, नंबर 3 को, ये खुद ही बोल के खुद ही समझता, इसकी बातें समझ में नहीं आती। उसको फिर नॉक कर दिया पीछे वाले ने, जिसको मैंने नॉक किया था उसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया। फिर हमारे इसको मतलब ऐसे कैसे आपको मलकुल मौत की तरफ भेजें ऐसे, ठीक है। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। इंशाल्लाह अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक कर दें। MVP अल्हम्दुलिल्लाह नाचीज था, अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, आहिस्ता आहिस्ता हम देखो ग्रो करेंगे, सो प्लीज़ क्यों ना आप मेरे साथी बन जाओ, फ्रेंड बन जाओ, बहुत अच्छे थे। लाइक करना, कमेंट कर दो, और जिस जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी ना प्लीज़ जाके देखो बहुत अच्छी वीडियो थी, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे, अब तक ख्याल रखना, और हाँ प्लीज़ दुआ करना, जो आज प्लेन क्रैश हुआ ना पाकिस्तान के अंदर, प्लीज़ उसके लिए दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।